नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार इकबालपुर सुगर मिल पर प्रदर्शनकार इकबालपुर मिल प्रबंधक, मिल मालिक, राजनीतिक पार्टियों व सरकार के लिए शुद्ध बुद्धि यज्ञ किया, जिससे राजनीतिक पार्टियां किसानों का उत्पीड़न ना करें। वहीं मिल प्रबंधक ने मिल मालिक से बात कर लिखित में किसानों का पैसा देने का वादा किया। इस दौरान हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। उधर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा व किसान नेता सुबोध राकेश साथियों सहित मौके पर पहुंचे और भारतीय किसान यूनियन क्रांति द्वारा शुद्ध बुद्धि यज्ञ में राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेता विकास सिंह सैनी के कंधे से कंधा मिलाकर शुद्ध बुद्धि यज्ञ में आहुति दी। लिखित आश्वासन पर सभी किसान नेता माने और सद्बुद्धि यज्ञ संपन्न होने के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद प्रजापति द्वारा मंत्रोच्चारण कराकर यज्ञ संपन्न कराया गया। पहली बार लिखित में मिल प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसमें मिल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो उनकी कृषि भूमि है इकबालपुर में 25 करोड़ रुपए के लगभग की, इसे बेचकर वो पैसे किसानों को देंगे। इसके अलावा जो मिल की जमीन रेलवे ओवर ब्रिज के लिए अधिग्रहण की गई है, उसका जो भी 40 से 50 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर मिल को मिलेगा, वो एक रुपया भी मिल से बाहर नहीं जाएगा, वो पैसा भी किसानों को दिया जाएगा। 80 करोड़ रुपए का रोड मैप लिखित तौर पर प्रशासन द्वारा, मिल प्रशासन द्वारा दिया। एक वो समझौता दिया भारतीय किसान यूनियन क्रांति को, इन्होंने लिखित में दिया कि हम जल्दी इसका भुगतान करेंगे। 2 करोड़ रुपए के करीब तो ये अभी करने जा रहे हैं 1-1.5 हफ्ते में, और बाकी लिखित में दिया अगर नहीं करेंगे तो फिर इलाज कर देंगे। इससे ज्यादा भीड़ आकर आ जाएगी। यार भाई, जो मेरा राजनीतिक पार्टियों से हाथ जोड़ कर निवेदन है, वो किसान को लेकर राजनीति ना करें। अगर कोई भाई बार बार ये करने से कोई फायदा तो है नहीं। इन्होंने कह दिया कि भाई पैसा देंगे, देखो अब इनका ये बिकने वाला, यहाँ ये कुछ जगह इनकी इकवार हो रही, सरकार द्वारा इन्हें पैसा दिया जाएगा 50-60 करोड़ रुपए, वो कह रहे हैं कि हम किसान को ही देंगे। एराइज न्यूज के लिए विजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।